सबसे पहले परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी साक्षी के रूप में जीवन जीते चले जाएं। और कैसे गवाह हो, बाइबल सुंदर तरीके से बताती है, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान चढ़ाना ही सच्ची सेवा है। ये अद्भुत सेवा है, परमेश्वर की अद्भुत सेवा है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार न जीते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन जीते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई बड़ी सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवकाई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो शायद आप ये सोचेंगे परमेश्वर सतीश कुमार को बड़ा अवार्ड और रिवार्ड देंगे इस तरह से कि इतना बड़ा चर्च है और इतने लाखों लोगों को इन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार बताया है और इन्होंने बहुत से लोगों को परमेश्वर का वचन बताकर सेवा की और इसलिए परमेश्वर इन्हें बहुत बड़ा अवार्ड देगा, रिवार्ड देगा, इस तरह से हम सोचते हैं। ये वास्तविकता नहीं है। मैं बताता हूं, एक दिन की बात है कि मेरे जैसे प्रचारक जो अपने बारे में सोचते थे कि वो तो सच में एक बहुत बड़ी प्रचारक है, वो स्वर्ग में चले गए। और जब वो स्वर्ग में चले गए तो वहां पर स्वर्ग में उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी 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 ऐसी इमारतें हैं, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और बड़े बड़े महल थे। और उन महल और भवनों को देखकर ये जो बड़े प्रचारक थे इस तरह से सोचने लगे कि मैंने सैकड़ों और हजारों और लाखों लोगों के बीच में प्रचार किया, सच में मैं बड़ा प्रचारक हूँ। उन्होंने सोचा मुझे स्वर्ग राज्य में ऐसी मामूली बिल्डिंग नहीं मिलेगी। और ये सोचते हुए वो भाई वहां पर देखने लगे कि मेरी बिल्डिंग कहाँ पर है, मेरी बिल्डिंग कहाँ है। और इस तरह से वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनके नाम की कोई भी बिल्डिंग उन्हें नहीं दिखाई दी। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं दी होगी, शायद छोटी बिल्डिंग दी होगी। और वो ऐसे आगे बढ़ने लगे, फिर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी और उस झोपड़ी पर लिखा था, हाँ, बिशप, डॉक्टर, रेवरेंड और बड़े नाम का शीर्षक था और उसके बाद में इस सेवक का नाम था। ये क्या है? मैं तो एक बहुत बड़ा प्रचारक हूं, महान प्रचारक हूं, मेरे लिए यहां पर इतनी सी ये छोटी सी झोपड़ी बनाई गई है। और जबकि वो इस तरह से कहते हुए सोच रहे थे कि मेरे लिए इतनी छोटी झोपड़ी है, और फिर उन्होंने देखा कि बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग पर जिनका नाम था, वो नाम देखकर इनके दिल की धड़कनें रुक गई। बगल वाली जो बिल्डिंग थी, पता है किसकी थी? इस सेवक के ड्राइवर की थी। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उस समय पतरस वहां से जा रहे थे, तो इन्होंने आवाज दिया, पतरस भाई सुनिए, आप तो सच में बड़े महान हैं, बड़े काम किए हैं, क्या इधर भी गलतियां होती है क्या? नहीं, यहां गलतियां नहीं होती है। जरूर गलतियां होती है पतरस भाई, देखिए जो घर मुझे देना था वो ड्राइवर को दे दिया है और जो घर ड्राइवर को देना था वो मुझे दे दिया है। पतरस भाई आपने ये क्या कर दिया है? आप बिल्डिंग पर से नाम बदल दीजिए, बड़ी बिल्डिंग तो मेरी है और झोपड़ी तो ड्राइवर की है, इसे बदल दीजिए। पतरस ने कहा, यहां गलतियां नहीं होती, जो जिसके योग्य होता है उसे बस वही दिया जाता है। पतरस भाई ये सब क्या है? आपने मेरे कार ड्राइवर को इतनी बड़ी बिल्डिंग दी है, तो फिर मैं एक प्रचारक हूं तो मुझे कितनी बड़ी बिल्डिंग देनी चाहिए? आपने मुझे इतनी छोटी झोपड़ी दी है और उसे इतनी बड़ी बिल्डिंग दे दी है, कुछ ना कुछ तो गलती हुई। गौर से सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, हम जो गिनती करते वहां पर वो काम नहीं करता है, हमारी गिनती वहां पर नहीं चलती। हम जिस तराजू से वजन करते हैं उस तराजू से वहां पर वजन नहीं होता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि मैं जहां पर रहूंगा स्वर्ग में, उससे भी उत्तम जगह पर हमारी कलीसिया के लोग वहां रहेंगे, आप ऊंचाई पर रहेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। कितने तो भी लोग हैं जो कलवरी आवाज में मदद करने के लिए दिन में केवल एक समय का भोजन करते हैं, ऐसे लोग हैं, वो परमेश्वर की सच्ची सेवा है। पति और पत्नी ने आकर स्पॉन्सर बनना चाहा, तो उस बहन ने आकर मुझसे कहा, भैया मैं पूरे महीने में जो कुछ भी कमाती हूं सब कुछ मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं इसे देती हूं, ताकि लाखों लोग वचन को सुन सके। मेरे पति जो कमाते हैं उसी से हम खाते हैं और मेरी जो सारी कमाई है वो लाखों लोगों के आत्मिक भोजन के लिए मैं उसे दे देती हूं। आप इसके लिए क्या कहेंगे? हर एक दिन कई घंटों तक काम करते रहती है, कई घंटों तक बस की राह देखती रहती है, बारिश में भीग कर, ठंड में ठिठुर कर, गर्मी में सिकुड़ कर, काम का पूरा टेंशन संभालती है और पूरा महीना काम करने के बाद में उसमें से एक रुपया नहीं लेती। और जब पूरा पैसा कमाती, कह सकते मेरा पैसा है, मेरा है, ये मेरी कमाई है, मेरे कष्ट का पैसा है, वो उसे भेंट में चढ़ा देती है, ताकि लाखों लोग
परमेश्वर का सुसमाचार सुन सके, कि लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का स्वाद ले सके। मैं घर घर काम करके जो पैसा कमाती हूँ, मेरे कष्ट के जो पैसे हैं, मैं अपने प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए दे देती हूँ। हर महीने मैं अपनी पूरी तनख्वाह कलवरी आवास के प्रोग्राम के लिए देती हूँ कि इसे मजबूत कर सकूं। एक बूढ़ी माता जी मेरे पास में आई और कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किस चीज के लिए? हर एक महीने मैं कलवरी आवास के लिए भेंट देती हूँ। मैंने ये निर्णय लिया है, प्रभु मुझे इसके लिए बल दे। आप क्या करती हैं माता जी? 3-4 घरों में मैं बर्तन का काम करती हूँ भैया। एक तरफ मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ और जो भी मेरे पास बच जाता है कलवरी आवाज के द्वारा लाखों लोगों तक प्रचार पहुंचने के लिए। हर महीने मैं आपके एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर हूँ। परमेश्वर जो तौलता है उसके वजन के कांटे में फर्क होता है। बिल्कुल, परमेश्वर की दृष्टि में अगर हमें आना है तो हमें स्टेज पर आना होगा, माइक पकड़कर संदेश देना होगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। सतीश कुमार के मरने के बाद उनके संदेश नहीं है जो उन्हें वहां पर स्वर्ग में ऊंची जगह पर रखने वाले हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन कैसे जिए, ये परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अगर मैं बिना किसी मूल्य का जीवन जीऊं और अद्भुत संदेश देने की कोशिश करूं तो यह परमेश्वर की दृष्टि में पूरी तरह मूर्खता है, खालीपन है। इसे मत भूलिए। ड्राइवर के लिए इतना बड़ा घर क्यों और बड़े बड़े प्रचारक के लिए इतनी छोटी सी झोपड़ी क्यों दी गई? और फिर जब पत्रस से उसने इस तरह सवाल पूछा तो फिर पत्रस ने उससे कहा, मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूं। और फिर वो उसे एक सपने के रूप में दिखाने लगा। प्रचारक जो है प्रचार करने के लिए स्टेज पर जा रहे थे और ताली बजाने वाले जोर से उनके लिए ताली बजा रहे थे, सम्मान करने वाले उनका सम्मान कर रहे थे और पूरा स्टेज तो राजा के वातावरण से भर गया था और ये प्रचारक बड़े जोर से प्रचार कर रहे थे। और फिर उसके बाद में पत्रस ने कहा, जरा बाजू में देखिए, जानते हैं उस समय ड्राइवर वहां पर क्या कर रहा था? वो कार में से बाहर आता है, कार के बाजू में ही घुटनों पर आता है। ये प्रचारक जो प्रचार कर रहे हैं, इनके संदेश में बड़ी सामर्थ्य उंडेलना प्रभु। जब ये संदेश प्रचार किया जाता है तो लाखों लोग अपने जीवन में छुटकारा पाए, बहुत से जो परिवार है वो फिर से जुड़ जाएं। आज जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ऐसे लाखों लोग नरक में जाने के बजाय स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। हे प्रभु, इन लोगों को उद्धार दे, इन्हें उद्धार दे प्रभु। अपने आंखों से आंसू बहाते हुए अपने घुटनों पर आकर लोगों के लिए ये ड्राइवर वहां प्रार्थना कर रहा था और इसका अद्भुत परिणाम मिला। और ये जो ड्राइवर प्रार्थना कर रहा था, इसके कारण बहुत से लोग पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन ये प्रचारक सोच रहे थे कि ये तो मेरी शक्ति है। अगर आज के दिन सतीश कुमार जो प्रचार कर रहे हैं उनके शब्दों में अगर कोई शक्ति है, आज जो कलवरी टेम्पल है इतने अद्भुत रीति से प्रभु के द्वारा आशीष पा रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके लिए सतीश कुमार का नाम उपयोग न कीजिए। सतीश कुमार का नाम लेने के लिए निषेध किया गया है। आप कलवरी टेम्पल में आइए और ब्रदर सतीश कुमार आपको परमेश्वर के वचन से अद्भुत वचन बताएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं कहना, इसके लिए मेरा नाम उपयोग बिल्कुल मत करना। तो फिर क्या कहना है? आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। कहिए, सतीश कुमार का नाम बार बार लेना और सतीश कुमार का नाम बार बार जपना, सतीश कुमार का नाम बार बार उपयोग करते जाना, ये तो नहीं चाहिए। सतीश कुमार वचन प्रचार करने के लिए और परमेश्वर के वचन में से संदेश देने के लिए, सतीश कुमार मैं आपसे कहूं बहुत 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 छोटे हैं। सतीश कुमार जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं उसकी स्तुति की जाए, सतीश कुमार जिसका वचन बताते उसकी स्तुति हो, सतीश कुमार की तारीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप कभी भी मत भूलिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस समय यही कह रहा था कि वो बढ़ते चले जाए और मैं घटते जाऊं। यही तो परमेश्वर के सेवकों की इच्छा होनी चाहिए। और पत्रस ने उससे कहा, देखिए भाई, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम वहां पर स्टेज पर खड़े रहकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे प्रचार में किसी तरह से कोई शक्ति नहीं थी भाई। उन संदेशों में जो शक्ति थी वो इसकी प्रार्थना के कारण थी, वही प्रकट हुई। इन आंसुओं की जो कीमत थी वो जान ली गई। इसके जो आंसू थे इसे महत्व दिया गया। आज जो कलवरी आवाज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ में खड़े रहते हैं, मेरे पीछे खड़े रहते हैं, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़कर अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इट इज नॉट अबाउट सतीश कुमार, बट इट इज अबाउट सतीश कुमार्स गॉड। सतीश कुमार के कारण नहीं है, सतीश कुमार जिसकी सेवा करते हैं उस परमेश्वर के कारण
और आपके त्याग के कारण और आपकी प्रार्थना के कारण और आपकी जो कोशिश है उसके कारण ये सारी संगति यहां पर है। सारी महिमा स्तुति और आदर तो हमारे परमेश्वर को ही मिले और उसकी सारी जो आशीष हैं वो आप सभी लोगों को मिले, यही मेरे दिल की कामना है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी गवाही। आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वही है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्योति में हैं, आपके पास में ज्योति है, तो जो भी लोग आपको देखते हैं तो फिर सबसे पहले वो ज्योति किसको दिखती है जरा बताइए, बताइए, जो आपके आसपास रहते हैं उन्हें दिखती है। अगर आपका आत्मिक जीवन सच में प्रकाशित है तो ये प्रकाशित दिखेगा, आपके आसपास रहने वाले लोगों पर प्रकाशित होगा। अगर आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं अगर वो आपके प्रकाशित होने को देख पाते हैं तो फिर गौर से सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप अंधकार में जी रहे हैं, सही जीवन नहीं जी रहे हैं? शायद ये शब्द बहुत ही कड़वे सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं ये विनती करता हूं, अगर आप कोई छोटा सा दीपक भी जलाते हैं तो उसे ऐसे बिस्तर के नीचे नहीं रखते हैं। अगर बहुत से लोगों को रास्ता दिखाना है तो आपका जीवन बहुत से लोगों के सामने आदर्श होना चाहिए, बहुत से लोगों को मानो सवाल करने वाला जीवन होना चाहिए, समझ रहे हैं? इसलिए आपको अपना जीवन दीप स्तंभ के ऊपर में रखना चाहिए, तो आपके जीवन में जो उजाला है और आपके जीवन में जो आत्मिकता है, आपके जीवन में जो परमेश्वर का प्रेम है, आत्मा के जो फल है, वो आसपास के लोगों को दिखना चाहिए। यही तो परमेश्वर चाहता है और यही तो परमेश्वर की दिल की इच्छा है, और इसी के कारण मसीह ने अपना प्राण दिया था मुझे प्रकाशित करने के लिए और निश्चय आपको साक्षी बनाने के लिए। प्रभु ने अपनी जान दी बस इसलिए कि मैं, आप यानी हम, व्यक्तिगत जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जो गवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब वो आपके ऊपर में आता है, तुम हाँ मेरे लिए गवाह हो जाओगे ये कहता है। यदि आप परमेश्वर के लिए गवाही नहीं हो सकते हैं, यदि हमारे जीवन की आत्मिकता को देखकर अगर 10 लोग इस तरह से पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये कहते हुए गवाही नहीं देते हैं, तो आप सच में पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति नहीं हैं। इस बात को मत भूलिए। मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, मेरे जीवन को परमेश्वर ने प्रकाशमान किया। एक समय था जब मैं अपने जीवन में पूरी तरह से अंधकार में जी रहा था, मैं पाप में जीवन जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को प्रकाशमान किया। ऐसे कहने वाले कोई लोग यहाँ हैं? आप अपने हाथ उठाकर बताइए। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू सिस्टर्स, प्रकाशमान हो गए अगर आप इस तरह से कहते हैं। ऐसे ही आपके आसपास के लोग आपकी गवाही को देखते जाएं, आपके आसपास में जो लोग रहते वो इसे देखे। जब दीपक जला होता है तो उसके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, जो अंधकार है वो दीपक को रोक नहीं सकता। जब आप किसी अंधेरे कमरे में आते हैं, लाइट ऑन करते, तो वहां पर से सबसे पहले क्या भागता है? अंधकार भागता है। प्रकाशित हो जाएं, अंधकार के इस जगह पर आप प्रकाशित हो जाएं, आपकी जो रोशनी है वो फैलती जाए। जहां पवित्र आत्मा परमेश्वर होता है वहां वो व्यक्ति केवल ज्योति की ही बातें करता है, वो प्रकाशमान होता और अंधकार को दूर करते जाता है, और जो अंधकार में चल रहे हैं उन्हें वो ज्योति दिखाता है। प्रकाशमान हो गए इसलिए आप प्रकाशित होते रहें। जो व्यक्ति प्रकाश में है वो प्रकाश में ही अपना जीवन जीते जाता है, और इस जीवन में आपको एक सच्चाई को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वो क्या है? अपनी गवाही को बचाए रखना, अपनी गवाही को आपको बचाए रखना है। आज के इस संदेश का सारांश तो यही है, परमेश्वर आपको अंधकार में से ज्योति में लेकर आया है, प्रकाशित किया है। अयोग्यता में, बुरे मार्गों में अपने जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर ने इसे बदला। बदल जाने के बाद में आप परमेश्वर के साक्षी के रूप में जिए। अयोग्य था मैं, दुष्ट था, लेकिन आज मुझे परमेश्वर की धार्मिकता कहा जाता है। ये केवल परमेश्वर द्वारा संभव हुआ। मुझे बदलने वाला परमेश्वर जीवित है, वही तो मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह है, और मेरा जीवन उसके लिए गवाही के रूप में है। यही कहना चाहिए, प्रभु के साक्षी के रूप में जीवन जिए। जीवन बदल जाने के बाद में, प्रकाशमान होने के बाद में, मेरे भाइयों और मेरी बहनों गौर से सुनिए, फिर से पाप की ओर जाने की आपको जरूरत नहीं, फिर से संसार में जीवन जीने की अनुमति नहीं, अपनी गवाही को इस तरह से बर्बाद करने की कोई अनुमति नहीं।
अपनी गवाही को बर्बाद करने की अनुमति नहीं। मैं आपको ये बताता हूं, उद्धार पाने के बाद में और प्रकाशमान होने के बाद में, अपना जीवन समर्पित करने के बाद में, अच्छी तरह से आत्मिक जीवन जीने वाले, उनमें वो लोग बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। लेकिन फिर से अगर आप गलती करते हैं, फिर से अगर आप पाप करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, बार बार पाप करने के बाद में अगर आप परमेश्वर के पास में फिर से आकर क्षमा मांगते हैं, तो फिर परमेश्वर तो निश्चय आपको क्षमा करेगा, लेकिन लोग क्षमा नहीं करेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप गलत काम करके परमेश्वर के पास में आते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, तो वो आपको क्षमा करेगा, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे। एक भाई मेरे पास में आए समस्या लेकर। मैंने पूछा, समस्या क्या है? भैया, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैं शराब पीता था, गलत रास्ते में जीवन जीता था, शराब पीकर पत्नी को बहुत मारता था, भैया नरक में जीवन जी रहा था। ठीक है, तुम चाहते हो मैं प्रार्थना करूं? मैं तो बदल गया हूं भैया, पहले नरक में जीवन जीता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं भैया, मैंने उद्धार पाया है, अब मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। खुशी की बात है, तो रो क्यों रहे हो? मैं पहले शराब पीता था, अपनी मर्जी से जीवन जीता था, पत्नी को मारता था, वो सह नहीं पाई, इसलिए मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला रहता, शराब पीते रहता और फिर पापी काम करते चले जाता। आपका वचन मैंने सुना और वचन से मुझे शक्ति मिली, उसे पाकर मैंने उद्धार भी पा लिया और पीने की आदत भी छोड़ दी, बुरी भावना भी मैंने छोड़ दी, पूरी तरह से मैं बदल गया हूं। मैं अपनी पत्नी के पास गया और मैंने उसे सब कुछ बताया। पहले मैं बुराई में जीवन जी रहा था, पाप में जी रहा था, और प्रभु ने मुझे बदल दिया। अब मुझे शराब के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरा जीवन बदल गया है। आओ साथ में रहते हैं, बच्चों के लिए अच्छे माता पिता बनकर हम एक अच्छा परिवार बनाते हैं, तुम आओ। पत्नी से विनती करके मैं उसे घर में लेकर आया। आज मैं और मेरी पत्नी आनंद में जीवन जी रहे हैं और बच्चे को अच्छा आत्मिक वातावरण दे रहे हैं। इस तरह बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। जब जीवन खुशी से चल रहा था, ऐसे समय मेरे दोस्त एक बार मुझसे मिलने के लिए आए। वो तो मेरे बचपन के दोस्त थे, मेरे कॉलेज के दोस्त थे, हम ऐसे ही बातें करते रहे और चलते चलते हम ऐसी जगह पर आए, चलो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, ऐसे कहते हुए मुझे वो बार रेस्टोरेंट में लेकर गए। मैं नहीं आता। जब मैंने ऐसे कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं पीना है तो तुम नहीं पियो, तुम आकर हमसे बातें करो, ऐसे कहा। जैसे तैसे मुझे मना कर वो अपने साथ ले गए और फिर मुझे भी पिला दी। और फिर जब नशे के बाद में मैं अपने घर में गया, तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, शराब पीना छोड़ दिया, अच्छा हो गया, ऐसे तुम कह रहे थे ना? जब वो मुझ पर ऐसे चिल्ला रही थी तो मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने उसे फिर से पीट दिया। भैया, मेरी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है, मुझे तलाक का नोटिस दे दिया है, मुझे इस दुष्ट के साथ नहीं रहना है, इस नरक में नहीं रहना है, ये कहते हुए मुझे नोटिस भेजिए भैया। मैंने फोन किया, उससे विनती भी की, लेकिन वो किसी भी तरह से नहीं सुन रही है। भवन में मैं आया, घुटनों पर आकर मैंने आंसू बहाए, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से मैंने क्षमा मांगी है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मेरे प्रभु ने तो मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे साथ जीवन बिताने वाली पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे किसी तरह से क्षमा नहीं किया। और फिर आखिर में उसने मुझे सेपरेशन लेटर दिया। जानते उसमें कारण क्या लिखा था? मैंने गलत किया, मैं बदल गया, इस तरह से बताया, मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा बताने के बाद एक गलती के लिए मेरी पत्नी ने मुझे क्षमा नहीं किया, मेरे बच्चों ने मुझे क्षमा नहीं किया, इस तरह से कहते हुए वो आंसू बहा रहे थे। आज के दिन मेरे भाइयों और बहनों, इस सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। अपने जीवन में उद्धार पाने के बाद में, अपने जीवन में परमेश्वर की ज्योति पाने के बाद, परमेश्वर के गवाह के रूप में जिए, प्रभु के गवाह के रूप में जीवन जीने वाले। अगर इस गवाह के जीवन के बारे में एक समय भी अगर आप अनदेखा करते हैं, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु फिर से हमें जोड़ देगा, ये कहते हुए अगर आप एक बार भी किसी तरह से पाप में गिर जाती हैं, तो इस सच्चाई को न भूले। ये सच्चाई क्या है? प्रभु क्षमा कर सकता है, लेकिन आपके आजू बाजू के लोग नहीं करेंगे। बाइबल में से इसके बारे में बहुत से वचन मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूं। दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया और ये पाप कहीं बाहर ना आ जाए, इस डर के कारण उसने बेतशेबा के पति उरिया की युद्ध के दौरान हत्या करवा दी। और जानते हैं उसे मरवाने के लिए किसने उसकी मदद की? योआब ने।
क्या आपको पता है कि ये योआब कौन था? ये दाऊद की सेना का एक ईमानदार सेनापति था। सुनिए इसे, दाऊद ने जो बैतशीबा के साथ में पाप किया, कहीं वो बाहर ना आ जाए, इस डर के मारे उसने बैतशीबा के पति उरिया की युद्ध में हत्या करवाई। जानते उसके बाद क्या हुआ? योआब ने दाऊद के पास संदेश भेजा, दाऊद जितना आत्मिक व्यक्ति दिखता है उतना आत्मिक व्यक्ति वो नहीं है, इसने तो दूसरे व्यक्ति की पत्नी को ले लिया और उसकी पत्नी के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न की। हे दाऊद, तू जितना आत्मिक दिखता है उतना आत्मिक नहीं है। दाऊद का योआब तो फिर शत्रु बन गया। जानते हैं किस तरह का शत्रु वो बन गया? अब शालूम, जो कि दाऊद के लिए बहुत ही प्यारा बेटा था, उसके लाडले बेटे अब शालूम को ही उसने दाऊद के शत्रु के रूप में खड़ा कर दिया। दाऊद, योआब, अभिषे और इथेन, इन सभी सेनापति को बुलाकर वो कहता है, अब शालूम के पास में नहीं जाना, वो मेरा प्यारा बेटा है, ऐसे कहा योआब और सभी को उसने बताया। और एक दिन अब शालूम गधे पर सवार हो रहा था और उसके बाल किसी पेड़ में फंस गए और वो असहाय व्यक्ति के रूप में वहां लटका रहा। जानते योआब ने उस समय क्या किया? एक निर्दयी व्यक्ति के जैसे अब शालूम की उसने हत्या कर दी। राजकुमार को इस तरह से बड़ी निर्दयता से योआब ने मार दिया। दाऊद उसे बुला सकता था, दाऊद ये कह सकता था, योआब तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे बेटी की हत्या कैसे की, मेरे बेटे को इस तरह से तूने क्यों मार दिया? क्या उसने ऐसे पूछा? वह ऐसे नहीं पूछ सका। जानते कारण क्या है? जानते इसके पीछे कारण क्या था? वो योआब को बुलाकर पूछ सकता था, हे योआब, तूने इसे क्यों मारा, ये सब कुछ तेरे मन में कैसे आया? तो योआब यही कहता कि तेरे मन में कैसे आया कि तूने अपने एक गरीब सिपाही का प्राण ले लिया उसके पत्नी के साथ व्यभिचार करने के लिए, और ये विषय बाहर न आ जाए इसलिए तूने उसके पति उरिया को वहां उस घमासान युद्ध में योजना करके मार दिया, तेरा ये मन कहां से आया? योआब इस तरह से सारे सवाल पूछेगा, इस तरह से वो डर कर वहीं पर बैठ गया। दाऊद को अपना सिर झुकाकर वहां पर चुपचाप पड़े रहना पड़ा। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या था? दाऊद ने जो पाप किया था उसके लिए उसने पश्चाताप किया और नाथान नबी ने कहा, परमेश्वर ने क्षमा किया है। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया था लेकिन योआब ने नहीं किया था। योआब उसे क्षमा नहीं कर पाया इसलिए वो दाऊद का शत्रु हो गया। वो तो दाऊद का बल का कारण नहीं था। अगर दाऊद एक बात कहता तो सेनापति होने के नाते योआब कुछ और ही कहता था। जानते हैं कारण क्या था? दाऊद को योआब ने क्षमा नहीं किया था। दाऊद का बहुत ही वफादार सेनापति उसका शत्रु हो गया। दाऊद को बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देने वाला जो उसका मंत्री था वही तो उसका शत्रु बन गया था। और ये दोनों इस तरह के शत्रु हो गए कि दाऊद के जीवित रहने पर भी इन लोगों ने कितने बड़े और भयानक काम किए। जानते कारण क्या है? दाऊद की गलतियों के लिए परमेश्वर ने क्षमा किया लेकिन आसपास के लोगों ने नहीं किया, इसलिए दाऊद को बहुत ही दुख उठाना पड़ा, बहुत से आंसू बहाने पड़े, उसका अपमान होते चला गया, उसकी निंदा होती चली गई। एक तरह से ऐसा हुआ कि दाऊद की मृत्यु तक उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। कारण क्या है? परमेश्वर ने क्षमा किया, आसपास के लोगों ने नहीं किया। जब कोई पाप करता है तो जानते हैं वो बिना किसी डर के या बिना किसी बात के वो वहां पर पाप करते चली जाती हैं। प्रभु से क्षमा मांगे तो प्रभु क्षमा करता है लेकिन आपके आसपास के लोग क्षमा नहीं करते हैं और आपके आसपास के लोग इतने जल्दी नहीं मरेंगे। आपके ही लोग, आपके घर वाले, आपके परिचित लोग, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके दोस्त, आपके व्यापार के सहभागी क्षमा नहीं करेंगे। ये दाम चुकाए बिना ये काम कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? आत्मिक जीवन में उद्धार पाने के बाद में, प्रकाशित होने के बाद में, मेरे भाइयों और बहनों, गवाही को बर्बाद न कीजिए। जब कोई मनुष्य आत्मिक रूप में आपका जो पतन है उसे देखते जाता है तो मनुष्य क्षमा नहीं करता है। ये कब तक होता है? जब तक कि आप अपने घुटनों के बल नहीं आते हैं। ये कब तक याद रहेगा? जब तक कि आप मर न जाए याद रहेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है लेकिन मनुष्य आपके मरने तक आपको क्षमा नहीं करेगा। उस समय तक आप तो उनकी बातों के, उनके ताने मारने के शिकार रहेंगे।
दुख उठाते रहना होगा, परेशानी उठाते रहना होगा। और जब आप गलती करते हैं उस समय लोग आपको बस देखते चले जाते हैं, तो क्षमा नहीं करते। सत्य को आप ग्रहण कीजिए, अपनी गवाही को नीचे नहीं गिरने देने के लिए आप जागृत रहिए। जो हाँ कहते हैं आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। लेट अस प्रे। प्रार्थना करने के लिए आइए, इस समय सिरों को झुकाएं। हे महापवित्र और प्रेमी परमेश्वर, बहुत स्पष्ट रीति से आपने हमसे बातें की हैं, आपने हमसे बहुत स्पष्ट तरीके से अभी बातें की हैं कि हमारी आत्मा इसके उद्धार के लिए आपने अपना लहू बहाया है और इस तरह से आपने हमें उद्धार दिया है। आपने हमारे जीवन में जो अंधकार था उस अंधकार को दूर किया, आपने दीपक जलाकर अंधकार को पूरी तरह से दूर किया है। हमारी मदद कीजिए कि दूसरे लोगों को हम ज्योति दे सके। अनुग्रह करके ऐसा जीवन दीजिए कि हम आपके गवाही और साक्षी के रूप में जीते जाएं। अगर हमारी गवाही का जीवन गिर जाए, अगर हमारी गवाही खराब हो जाए, तो आप हमें क्षमा करते हैं, लेकिन आसपास के लोग क्षमा नहीं करते। हमें क्षमा कीजिए। आप हमारी गलतियों को भूल जाते हैं और सारी कमी घटी को दूर करते, लेकिन हमारे आसपास के लोग उसे नहीं भूलते हैं। अगर हमारे मन के अंदर में कोई घृणा आती है, हम इस बात को कभी न भूल पाए। इस सच्चाई को हम स्वीकार करें, इस सच्चाई को ग्रहण करके आज ही के दिन से हे प्रभु हम बहुत ही जागृत होकर अपने जीवन को जीते जाएं। हर एक व्यक्ति को आप अपनी गवाही के लिए सचेत बनाइए, हम पर दया कीजिए। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन।